तो भाई अब आ चुके हैं हम टोटल 7 चैप्टर, और यहाँ हमने आपको टोटल 8 चैप्टर करवा दिए हैं भाई, नया नया करवा दिया है। इसके लिए तो एक लाइक बनता ही, वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, बताओ। देखो भाई इस समय समझने समझाने का टाइम नहीं, ट्रिक्स कैसे लेके आप इसको लर्न करोगे और कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, यही हमारा टारगेट है। मुझे पता है लास्ट टाइम पे बच्चों को क्या चाहिए। देखो आपके दिल की बात मैं समझ रहा हूँ, और दिल की बात समझ रहा हूँ तो प्लीज वीडियो को 10K लाइक करवा दो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा, और नहीं करवाओगे तो भी अच्छा ही लगेगा क्योंकि आप जिगर के टुकड़े हो। तो चलो भाई 7 चैप्टर लेंसेस करवाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या था। आपकी आंखों के सामने दिख ही रहा है, आपको दिख रहा है और आपको पता है कि क्या होता है। वैसे भी हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर पढ़ा था, तो उसके जैसा ही मिलता जुलता है, पर यहाँ हम लेंस की बात कर रहे हैं। लेंस में कैसा होता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, दोनों साइड क्या होता है, दिखाई देता है। तो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम एक दूसरे से बॉन्डेड होगा, और बॉन्डेड होने के बाद जो बाहर का पार्ट है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब उठा हुआ रहे, ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोग ने कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ देखा हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, हमें कुछ टर्म्स है जिनको याद रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। सच बताऊं ना दोस्तों, अगर आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड के अंदर मिरर में ये सभी याद रखा होगा कि उस समय हमने ये पढ़ा था, बस उसके अंदर मिरर था, इसके अंदर क्या लेंस है। ओके, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या पढ़ा था, उस समय हमने ये पढ़ा था कि सेंटर किसका, सेंटर स्पीयर का, जिससे वो मिरर बना हुआ। तो सेम यहाँ वो भी, अगर वो डेफिनेशन भी याद होगा बस यहाँ लेंसेस लगा देना। तो सेंटर ऑफ स्पीयर हूज पार्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लेंस, जिससे हमारा ये लेंस बना है उसका स्पीयर का सेंटर, उसके स्पीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड इट इज डिनोटेड बाय सी, और दोनों साइड अपवर्ड आउटसाइड है, तो इस साइड भी एक सेंटर होगा, इस साइड भी एक सेंटर होगा, इसलिए देयर आर टू सेंटर, C1 एंड C2। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम ही है, रेडियस ऑफ सेंटर भी सेम ही है, द रेडियाई ऑफ द स्पीयर हूज पार्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लेंसेज, सेम जो हमारा जो स्पीयर है उसका रेडियस जिससे ये हमारा लेंस बनाया। और टोटल कितने रेडियस होंगे, दो होंगे दोनों साइड का, R1 एंड R2। अब प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत सिंपल सी बात है भाई, जो हम इमेजिनरी लाइन क्या करते हैं, पास करते हैं बोथ द सेंटर, एक C1 एंड C2। ओके, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हम इमेजिनरी लाइन पास करते हैं उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब इमेजिनरी लाइन क्यों बोलते हैं भाई, आपके क्या स्पेक्स में कहीं दिखा है प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं दिखाना, बिल्कुल नहीं दिखाना, तो कहां से आप, तो उसको इमेजिनरी लाइन ही बोलेंगे ना। तो इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम आते ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो वो वाला सेंटर कौन सा था, स्पीयर का सेंटर था जिससे हमारा लेंस बना। ये ऑप्टिकल सेंटर किसका है, हमारे लेंस का, जो हमारा लेंस बन के तैयार हो चुका है, तो ये हमारा, तो इसलिए हमने यहां बस एकदम सिंपल सा मैंने लिखा, सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, और इट इज डिनोटेड बाय ओ। अब प्रिंसिपल फोकस बहुत सिंपल है, व्हेन लाइट रे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, व्हेन लाइट रे पैरेलल टू पैरेलल, ओके, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, किस, ये जो पैरेलल लाइट है, जो आने वाली लाइट है, किस पे इंसिडेंट हुआ कॉन्वेक्स लेंस, दे कॉन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑन अ, और फिर इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके किस पे आ गया, इसके ऊपर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब आके कॉन्वर्ज हो गया, तो जहां कॉन्वर्ज हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। अरे मैंने पीछे बना दिया, मेरे पीछे बना दिया, इधर बताता हूँ ध्यान से देखो। मान लो ये हमारा है लेंस, और लेंस का ये दोनों सेंटर्स पे से गया है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इंसिडेंट रे पैरेलल टू, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे कॉन्वेक्स लेंस से, दे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वर्ज, कहां कॉन्वर्ज हो रहा है, ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां कॉन्वर्ज हो रहा है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं। फिर इतना सिंपल डेफिनेशन बनाया ना यार, आपको मजा आ जाना चाहिए, क्योंकि जाके देखोगे तो समझेगा सर ने कितना सिंपल किया। तो व्हेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, या इंसिडेंट ऑन, बोलो, दे आर इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, और कहां कॉन्वर्ज होगा, कहां आके इकट्ठा होगा, कॉन्वर्ज ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस पॉइंट वी कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फोकस, इट इज डिनोटेड बाय एफ। अ फोकल लेंथ, बहुत सिंपल है भाई, ये अपना सेंटर,
ये सेंटर, ये सेंटर, और जहां भी प्रिंसिपल फोकस होगा ये दोनों के बीच के, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस का सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। हो गया, अब आगे चलते हैं। अब यहां भी थ्री रूल्स है रे डायग्राम ड्रॉ करने का। पहला, आपको जब लाइट रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू फोकस, जब सीधा आएगा तो फोकस पे से पास हो जाएगा, और जब 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 फोकस पे से आएगा तो सीधा हो जाएगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल आया तो फोकस पे से चला गया, फोकस पे से आया तो पैरेलल चला गया। इस तरह से हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो भाई दूसरा वाला आराम से खुद से बना सकते हैं। व्हेन इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट को इंसिडेंट बोलते हैं, इसलिए देखो ये एरो देना बहुत जरूरी है। व्हेन इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू, व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे, मतलब जाने वाला रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, जब आने वाली लाइट कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस पे से, तो जाने वाला लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा वाला, अब अगर कोई लाइट इस सेंटर पे से पास हो रही है, मतलब कहां से, ऑप्टिकल सेंटर पे से पास हो रही है, तो विदाउट चेंजिंग इट्स डिरेक्शन वो सेम ही क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, अपने डिरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इट्स पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डिरेक्शन, विदाउट अपने डायरेक्शन को चेंज किए बिना ये आगे बढ़ जाएगी। ओके, क्लियरली ये तीन है। अब आगे चलते हैं, ये साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन भाई आपको याद होगा हमने पिछले साल क्या, अरे अच्छा आप तो पिछले साल हमसे नए नहीं होंगे, मैं मुझे लगा ऑफलाइन बैच की बात कर रहा हूँ। तो ये सेम, अब जो मिरर आपने पढ़ा था ना उसको ही थोड़ा यहाँ चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। देखो, हमेशा ऑब्जेक्ट ऑलवेज, पहला वाला तो यही, ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैप्ड ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, लेंस के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पहला ये। दूसरा, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑन अ लेफ्ट 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 हैंड साइड ऑफ अ लेंस वी टेकन एज नेगेटिव, डिस्टेंस ऑन अ राइट हैंड साइड ऑफ अ लेंस, इस साइड, ये याद रखो, ये वाला, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ऐसे याद रखो। तो डिस्टेंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ लेंस वी टेकन एज नेगेटिव, डिस्टेंस ऑन राइट हैंड साइड ऑफ अ लेंस वी टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंस हाइट अबो वी टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंस अबो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल, सॉरी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वी टेकन एज नेगेटिव। चार पॉइंट बन गया ना मेरा दोस्त, चार पॉइंट बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, क्लियरली मुझे बताओ बन गया। पहला, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑलवेज कैप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा, अगर जो लेफ्ट हैंड साइड में है डिस्टेंस वी टेकन एज नेगेटिव, राइट हैंड साइड वी टेकन एज अ पॉजिटिव, हाइट अबो द प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर वाला पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वी टेकन एज नेगेटिव। हो गया मेरे दोस्त। ओके, अब लेंसेज फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला ये, बस ये याद रखेगा, इट इज अ रिलेशन बिटवीन वी, मतलब आप सभी को पता है वी मतलब क्या होता है, वी मतलब होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, यू मतलब होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ मतलब होता है फोकल लेंथ। तो रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। उस समय याद होगा, उस समय प्लस था, इस समय माइनस है, तो 1 बाय वी किस समय, मिरर के टाइम। तो रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ वी कॉल्ड एज लेंस फॉर्मूला। हो गया। देन मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस, बस इसको याद रखो, H2 upon H1, सबसे पहले H1 आता है, देन H2 आता है ना, इसलिए पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज आएगा ना, ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज आएगा, पहले पापा आएंगे तेन बेटा आएगा ना, कि बेटा के पहले पापा आ जाएगा। तो नीचे वाला H1 याद रखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और ऊपर वाला H2 जो है हाइट ऑफ द इमेज है। ओके, तो ये मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस इज डिफाइन एज इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला इमेज है ना H2, हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हो गया। अगर इन टर्म ऑफ डिस्टेंस हमें बोले तो सिंपल सी मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ वी, मतलब आप सभी को पता है इमेज डिस्टेंस, इट इज अ रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हो गया। देन इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, बहुत सिंपल है भाई, सबका प्लस करना है, 1 बाय एफ, 1 बाय एफ1 प्लस एम बाय
एफ टू, बस हो गया। और ये याद रखो, पावर ऑफ लेंसेस, पावर ऑफ लेंसेस इट इज द रेसिप्रोकल, इसका डेफिनेशन याद रखो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेस डायफ्टर, एंड डायफ्टर, डायफ्टर का जो नोटेशन होता है वो कैपिटल डी होता है। क्लियरली समझ में आ गया? अगर एग्जाम में कभी आता है, एमसीक्यू में आता है, पावर इक्वल टू 20, पावर इक्वल टू 20 डायफ्टर, देन फोकल लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो फोकल लेंथ कितना हो जाए, फोकल लेंथ है ना, तो 1/20 मीटर। जस्ट उसका अरे यार फिर से पीछे लिख दिया मैंने। अगर मुझे बताओ, अगर मुझे बताओ जो पावर है, पावर अगर 20 डायफ्टर है, क्योंकि पावर का यूनिट डायफ्टर होता है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, 1/20 मीटर, क्योंकि जो फोकल लेंथ है इसलिए उसको हम उसका यूनिट किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। तो भाई ये भी हो गया। अब चलते आगे, यूजर्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसमें से थोड़ा पढ़ लेना, ये चीजें आपको दिख रही है, अब इसको पढ़ लेना, याद करना, इसमें से 3-4 याद करके रख लेना। हाँ, अब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्पोपिया, ये सभी राहुल सर करवाने वाले, इवन आइस का डायग्राम भी आप सभी को राहुल सर करवाएंगे, तो इसलिए स्पेशल वीडियो उसका आ जाएगा। इवन लाइव लेक्चर में भी रहना, राहुल सर उसको बहुत अच्छे तरीके से करवाने वाले, ओके, क्योंकि राहुल सर बायो का पार्ट लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा आप सभी को एक चीज लेके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले साल कैंसल था भाई, तो अब ये नहीं बोलूंगा कि भाई यही आएगा, बट मैं बोलूंगा छोड़ के क्यों जाना है, अपने बच्चे एग्जाम फोड़ के आने वाले हैं ना, एग्जाम फोड़ के आने वाले, तो भाई इतने इतने कम टाइम में, मैं तो अब नहीं चाहता कि कुछ छोड़ के जाओ, इतने कम टाइम में आपको इतनी सारी चीजें हम करवा दे रहे, तो कम कम टाइम में आपको सभी चीजें लर्न करवा दे रहे, तो भाई आपको करके जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये इसको यूजर्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो आपको पढ़ना है, उसमें से 4-5 याद कर लेना। अब यूजर्स ऑफ कॉन्केव लेंस भी, हाँ यूजर्स ऑफ कॉन्केव लेंस भी 3-4 पढ़ लो, सॉरी वहां कॉन्वेक्स लिखा था, उसको करेक्ट कर लेना, यूजर्स ऑफ कॉन्केव लेंस 3-4 पढ़ लेना। और कॉन्वेक्स लेंस में देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, स्टार्टिंग का पढ़ लो, कॉन्वेक्स लेंस विद द स्मॉल फोकल लेंथ प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड बिगर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, कैसा इमेज प्रोड्यूस करता है कॉन्वेक्स लेंस, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड बिगर इमेज, ओके। और इसके बाद ये देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये देखो ये दिखाई दे रहा है, ओके, ये वाला सॉरी, ये हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और ये हमारा इमेज दिखाई दे रहा है, ये मैं देख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव मतलब जिससे मैं देखता हूँ, जिससे मैं देखता हूँ, तो छोटा होता है पर मुझे कैसा दिखाई देता, बड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखो P1 एंड Q1, ये इमेज है, ये हमारा P एंड Q, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जिससे हम देख रहे हैं। तो भाई इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लेना, ये स्टार्टिंग से ये लिख लेना, ये वाला देखो, ये वाला 20 टाइम लार्जर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग सच माइक्रोस्कोप, ये वाला कर लेना, एक मिनट रुको थोड़ा ओपन कर लो, ऐसा दिख रहा है, ओके, ये पॉइंट इसमें से बस। और किस किस किसके लिए यूज किया जाता है, वॉच रिपेयर के लिए, टेस्टिंग प्रीसियस जर्म्स और फाइंडिंग देयर डिफेक्ट्स, ओके, जर्म्स जो होता है वो। अब इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में गाइस ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम पूरी तरह से ड्रॉ कर लो, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईस पीस है, ये क्या हमारा आईस पीस है जहां से हम देख रहे हैं। देन इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी, इसमें भी 2-4 पॉइंट है, याद कर लो, किस लिए यूज होता है वो याद कर लो, टेलीस्कोप आप सभी को पता है, टेलीस्कोप में यहां देखो, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये इसके टाइप्स देख लो, दो टाइप्स है ये कर लो, और इसमें 2-4 पॉइंट, बट इसके अंदर का ये देखो, ये याद रखो, ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस, एक मिनट एक चीज मैंने यहाँ आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव लेंस देखो, ऊपर वाला एक आईस पीस होता है, नीचे वाला ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, सॉरी हाँ, ये वाला जो हमें दिया हुआ है, ये हमारा आईस पीस यहाँ होगा, और नीचे वाला जो होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस, तो आईस पीस एंड ऑब्जेक्टिव, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसी तरह का होता है, आईस पीस होता है, देन नीचे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इससे रिलेटेड। और यह रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, आईस पीस देन ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आराम आराम से प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज किया जाता है, कैमरे में, प्रोजेक्टर में, ये सभी चीजों में यूज किया जाता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब क्या होता है गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, परसिस्टेंस ऑफ इमेज वो होता है कि मान लो अभी ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये इस साइड जा चुका है फिर भी मुझे इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो मेरे रेटिना से मैं उस ऑब्जेक्ट को बाहर कर देने के बाद ही मेरे रेटिना पे 1/16 सेकेंड वो दिखता है, बाहर करने के बाद भी। देखो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि उसका सेंसेशन हमारे 1/16 सेकेंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव करने के बाद भी उसका इमेज हमारी आंखों में पड़ा हुआ रहता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन।
परसिस्टेंस ऑफ विजन, तो ये भी डेफिनेशन एग्जाम में आने के चांसेस है, तो इसको भी कर लेना। तो भाई यहाँ तक हो गया सभी चीजें, इसके अंदर मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है। इस तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हुआ, एंड हो गया। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेटलर्जी एंड कार्बन कंपाउंड। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।